रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण कयो सैन्य पुलिस री कोर माय 20 फीसदी महिलावारी भागीदारी वेला तय दर्जावार तरीका सु करयो जावेला महिलावा ने शामिल। जिला निर्वाचन एहलकार जगरूप सिंह यादव लोकसभा चुनाव सु पहली री तैयारियां वास्ते चुनाव प्रक्रिया सु जुड़िया एहलकारा री ली बैठक। बिना भेदभाव और शांति सु चुनाव कराने वास्ते दरकार रे मुजब तैयारियां करण रा दिया निर्देश। निर्वाचन आयोग कानीसू जयपुर रा न्यारा न्यारा मतदान केन्द्र माथे आज लियो जा रियो है मतदाता सूचिया रो जायजो। 1 जनवरी ने 18 वर्ष री उम्र पूरी कर चुका नौजवान मतदाता सूचिया माय जुड़वा सकेला आपरो नाम। डीजीपी कपिल गर्ग कहो पुलिस महकमा में किणी भी तरिया रो भ्रष्टाचार नी करो जावेला बर्दाश्त महकमा माय जारी रहेला डिकोय ऑपरेशन। और भारत ऑस्ट्रेलिया ने एक दिन रा क्रिकेट मैचारी श्रृंखला में हरार रचो इतिहास। मेलबर्न माय तीजा मैच में भारत 7 विकेट सु जीतो। युजवेंद्र चहल मैन ऑफ द मैच और महेंद्र सिंह धोनी ने मिलियो मैन ऑफ द सीरीज रो इनाम। नमस्कार, प्रादेशिक खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधाकर सोनी और अबे खबर विगतवार। सशस्त्र बड़ा माय महिलावारी भागीदारी बढ़ावन वास्ते सेना पुलिस रिकोर माय पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक री भागीदारी बढ़ेला। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण कहो कि सैन्य पुलिस री कोर माय 20% महिलावा ने दर्जावार ढंग सु शामिल करे जावेला। सेनारी मदद रे साथे महिलावा सु जुड़ा मामला री जांच माय इरी खास भूमिका वेला। जिला निर्वाचन एहलकार जयपुर कलेक्टर जगरूप सिंह यादव लोकसभा चुनाव सु पहली री तैयारी वास्ते चुनाव प्रक्रिया सु जुड़ा एहलकारा री बैठक ली। मणा कहो का बिना भेदभाव और शांति सु मतदान करावन वास्ते दरकार रे मुजब तैयारियां शुरू कर देवे। मणा आवन वाली 25 जनवरी ने नोवा राष्ट्रीय मतदाता दिवस रे मौके विधानसभा मुख्यालय और मतदान केन्द्र पर कार्यक्रम करावन रा भी निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग कानीसु जयपुर रा न्यारा न्यारा मतदान केन्द्र माथे आज मतदाता सूचिया रो जायजो लेवन वास्ते शिविर लगाई जा। इन शिविरा माय 1 जनवरी 2019 ने 18 वर्ष री उम्र पूरी कर चुक्या नुवा मतदाता मा रो पंजीकरण करीजो। साथ ही मतदाता सूचिया माय सु नाम हटावन और जोड़ावन सेती सुधार रा भी काम करी जा। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ये 2 दिवसीय कैंप लगाया गया है। आज और कल 9 बजे से 6 बजे तक इसमें सभी जो भी मतदाता हैं 18 साल के हो गए हैं, 1 जनवरी 2019 को जो भी मतदाता 18 वर्ष के हो गए उनके पहचान पत्र बनाए जाने हैं और राज्य सरकार द्वारा भी इस ओर प्रयास किए जा रहे हैं। मीडिया के माध्यम से और क्या नाम से अखबारों के माध्यम से ये प्रचार प्रसार कराया जा रहा है कि सभी जो भी वंचित मतदाता हैं वो यहाँ आके और अपना पहचान पत्र के लिए फॉर्म नंबर 6 भरें। अगर कोई संशोधन है तो उसके लिए हम 8 नंबर का फॉर्म अवेलेबल करवाते हैं और उनका संशोधन करवाते हैं। इसके अलावा हमारे सभी BLO भाई निर्देशानुसार घर घर जाके सर्वे भी कर रहे हैं, जिसमें जो भी मतदाता हैं उनकी कोई भी समस्या है नहीं जुड़े हुए या कोई स्थानांतरित हो गए तो उनके नाम काटे जाने हैं। इस प्रकार की कार्रवाई निर्वाचन आयोग द्वारा चल रही है और 25 तारीख को निर्वाचन आयोग की ओर से हमारे जैसा भी वो मतदाता दिवस होता है तो 25 तारीख को विशेष कार्यक्रम रहेगा और इस प्रकार हमारा ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। लोकसभा चुनाव आने तक ये है कि जो भी मतदाता सूची है हम चाहेंगे बिल्कुल 100% शुद्ध हो जाए और BLO इस और सभी और सारे BLO राजस्थान के और हमारे मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के सारे BLO इस और तत्पर हैं और बिल्कुल पूर्ण रूप से लग के इस कार्य को सफल बना रहे हैं। मतदाता हूँ और यहाँ पे बापू नगर से अपना बगरू क्षेत्र में कार्य करवाने के लिए। आप कैसे आए किस काम के लिए? ये वोटर ID चेंज करवाने के लिए, अपना रेजिडेंस शिफ्ट हो गया तो उसको चेंज कराने के लिए। जयपुर रा पुलिस मुख्यालय माए प्रदेश रा DGP कपिल गर्ग आज खबरनवीसा सु बातचीत में पुलिस कानीसु करीजा डिकोय ऑपरेशन रे बारा में जानकारी दी।
वड़ा कहो के प्रदेश रा थाना में स्टाफ रा व्यवहार की जानकारी मन मिल सके इन वास्ते डिकोय ऑपरेशन जारी रहेला। डीजीपी गर्ग कहो के जी मिनख रे साथे अपराध वियो है वीरी शिकायत दर्ज होनी ही चाहिए, साथ ही महकमा में किणी भी तरिया रो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करो जावेला। ऑपरेशन का मतलब ये कि मैं अपने महकमे के मेरे साथी हैं जो काम कर रहे हैं, ये देखना चाह रहा हूँ कि वो जो उनसे अपेक्षित है उस रूप से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो अपेक्षा के अनुरूप काम कर रहे हैं तो मैं उनको पुरस्कृत कर रहा हूँ, और अगर अपेक्षा के विपरीत काम कर रहे हैं तो उन्हें उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई। भ्रष्टाचार के मामले में राज्य सरकार की भी एक नीति है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और पुलिस विभाग भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपने अच्छा प्रश्न पूछ लिया, तो मैं बता दूं अगर मेरे पास किसी की ये शिकायत आएगी मेरे विभाग के अधिकारी या कर्मचारी के लिए कि वो पैसा या भ्रष्टाचार के रूप में कुछ मांग रहा है, तो मैं उसका ACP को हैंड ओवर करूँगा। सर, अगर आम आदमी अगर कहीं करना चाहे शिकायत तो किस तरीके से करे शिकायत की, उसको ये परेशानी हो रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, थाना है, थाने के ऊपर वृत्त है, सर्कल, सर्कल के ऊपर एडिशनल SP और जिले के SP हैं, फिर रेंज IG हैं और फिर मुख्यालय है। तो उनको जहाँ लगे कि उन्हें विश्वास है वहाँ जा सकते हैं, और वैसे आम तौर पर मैं चाहूँगा कि वो जिस व्यक्ति के विरुद्ध उनको जिस व्यक्ति के विरुद्ध उनको शिकायत करनी है उनसे इमिजिएटली ऊपर वाले, तो अगर मान लीजिए थाने की है तो सर्कल अधिकारी के पास जाए, वृत्त अधिकारी के पास, और वृत्त अधिकारी के है तो जिला SP से। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको लगता है कि वहाँ मेरी कार्रवाई नहीं होगी या किसी कारण से विश्वास नहीं, तो रेंज IG के पास जाए, हमारे पास है, हर स्तर पर कार्रवाई। क्या आपको नहीं लगता कि इसके लिए कोई हेल्पलाइन होनी चाहिए 100 नंबर के साथ? मुकदमा दर्ज कराने के लिए नहीं सर, डिकॉय की जानकारी देने के लिए एक आम आदमी डायरेक्टली उस पर कॉल करे। तो बहुत सारे नंबर हैं अब पुलिस महकमे में जिन पर वो संपर्क कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि उनको थोड़ा पब्लिसाइज कर दें। जिससे चौकीदार व्यवस्था के बारे में बता दिए सर, वो नहीं चौकीदार, देखिए हमारा जो राजस्थान पुलिस एक्ट है उसमें धारा 48 में एक प्रावधान है कि गाँव या गाँव के समूह में चौकीदार या ग्राम रक्षक रखा जा सकेगा, जो ऑनरेरी होगा, स्वयं सेवक होगा, लेकिन राज्य सरकार उसे पारितोषिक दे सकती नहीं, पुलिस मित्र अलग है। ये जो ग्राम रक्षक है ये हमारे पुलिस के संबंधित गांवों से या गांव ग्राम पंचायत से जिस स्तर पर भी वो होते हैं वहाँ पर ध्यान रखना, हमें सूचना देना, हम जाएं तो हमारे कार्य में सहयोग करना, काफ़ी सारी ड्यूटीज़ उसमें ऑलरेडी परिभाषित क्या करें। लेकिन ये 2007 से अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया, तो अभी राज्य सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया, अभी हम प्रस्ताव तैयार करेंगे और फिर राज्य सरकार को भेजेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे इस प्रस्ताव पर विचार करके निर्णय लें। हमारी इच्छा ये कि हमसे गांव में, हर गांव में एक व्यक्ति जुड़े जो हमें हर समय की सूचना मिलती रहे, और कोई बात बढ़ने से पहले हमें। प्रदेश में स्वाइन फ्लू की रोकथाम और जांच के साथ ही लोगों में सावचेती लाने वास्ते 21-23 जनवरी ताई खास अभियान चलाया जावेला। ये अभियान के तहत लोगों रा रिवास पर आजार स्वाइन फ्लू रा लक्षणा की पहचान करी जावेला। स्वाइन फ्लू रा अभी ताई 1099 पॉजिटिव मरीज मिलया है और 43 लोगों की बीमारी सू मौत हो चुकी है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जयपुरा सगड़ा सरकारी स्कूलों रा कक्षा 10 पढ़ेसरिया वास्ते तैयार मॉडल प्रश्न पत्र पोथी रो लोकार्पण करो। वणा बतायो कि नवाचारा री मार्फत शिक्षा रो दर्जो सुधारण वास्ते करी जी ई महत्वजोगी पहल सू कक्षा 10 इम्तिहान रा नतीजा में सुधार हो सकेला। साथ ही वणा आस जताई कमीशन 100 मॉडल प्रश्न पत्र पढ़ेसरिया रा प्री बोर्ड इम्तिहान खातर काम रा साबित वेला। वणा कहो कि प्रदेश सरकार रो यो जतन है कि प्रदेश में भणाई सू जुड़िया नवा प्रयोगा री मार्फत सगड़ा दर्जा परा सुधार होवे। परंपरा रे मुजब होने वाली खेती ने बढ़ावा देवन वास्ते बागधरा संस्था कानीसू जनजातीय संप्रभुता समागम राखी जो कार्यक्रम रे तहत आदिवासी समाज कानीसू करी जा रही परंपरागत खेती परा समाज रे सभ्य अनुभव साझा करी जा।
कार्यक्रम रा खास पावणा महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय रा कुलपति उमाशंकर शर्मा कयो के परंपरा मुजब करी जा रही खेती माय नूवी तकनीक अपनानी चाहिए। जल मेरा तो जल है तो जीवन है, तो जल को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम रासायनिक का जो भी डीएपी यूरिया उसका उपयोग करने से हमारे जो किसान के मित्र था केचुआ वो खत्म हो गया है। प्रदर्शनी में विशेष रूप से जो किसानों के खोते हुए बीज और जो माल जो छोटा धान था जो खो रहा था, जो सब्जियां थी, वह जनजाति समुदाय आज भी सब्जी को सुखा करके काम में लेता है, जब सब्जी का उपस्थिति नहीं होती तब उसे संभाल करके रखता है। तो किस प्रकार से दुनिया के लिए हम एक मॉडल बनकर के उभर के आए, उदाहरण तौर पे उभर के आए, ये प्रदर्शनी थी। इसके माध्यम से क्योंकि आप स्मॉल मिलेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे इसमें रागी है, कोदा है, कदमने है, इसमें अपना बाजरा है, ज्वार है, इनको हमें प्रयोग में जो हमारे पुराने खाद्य पदार्थ थे उनका उपयोग हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। समग्र शिक्षा अभियान के तहत दौसा जिला में दिव्यांग खेल कूद होड रखी जी। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक राजेंद्र शर्मा बतायो कि होड में जलेब दौड़, रस्साकसी और रुमाल झपट्टा खेला में दिव्यांग टाबर उत्साह से हिस्सा लियो। वना बतायो कि होड रो लगस दिव्यांग जन ने समाज री मुख्य धारा से जोड़नो है। यह कार्यक्रम हमारे जो ऐसे बच्चे हैं जिनको विशेष आवश्यकताएं हैं, जो दिव्यांग हैं, उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए और उनके अंदर कई हीन भावना नहीं हो और वो अपनी क्षमताओं को पहचाने, ईश्वर ने उनको कुछ लिया है तो कुछ अन्य दिया भी है और उनकी अपेक्षा, वो यहाँ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो और एक साथ दूसरे को देख करके उनके अंदर ऐसा भी महसूस हो कि हम अकेले ऐसे नहीं हैं, ऐसे हम बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं तो हम पढ़ लिख करके आगे अपनी क्षमताओं के आधार पर हमारा भविष्य बना सकते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भिया आतंकी हमला में जोधपुरी एक सामाजिक कार्यकर्ता शिप्रा शर्मा की मौत हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिप्रा की मौत पर संवेदना जताता थका कहो का आतंकवाद से पीड़ित परिवार की जिंदगी सुधारवा जेड़ा चोखा काम वास्ते अफगानिस्तान गई शिप्रा की मौत घनी दुख जोगी है। बना कहो कि शिप्रा प्रदेश और देश रो नाम रोशन करो है। करौली जिला रा मासलपुर खेतर माए एलएनटी चलावन वाला ने बंदी बनार नाक माए नकेल डालबा और गंदगी और तेजाब पिलावन जड़ा दुराचार करन रा आरोपी डकैत राम लखन गुर्जर रा खास साथी श्रीनिवास गुर्जर ने पुलिस गिरफ्तार कर लियो है। करौली एसपी प्रीति चंदारा निर्देशन माए पुलिस आरोपी सु 315 बोर सिंगल शॉट गन और 3 जिंदा कारतूस बरामद कराया है। में अभी एक हफ्ते पहले आप सभी के ध्यान में ये इशू होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बड़ी ही अमानवीय घटना एक एलएनटी ड्राइवर के साथ की गई थी और इस बाबत मासलपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो ये कृत्य करने वाले जो दस्यु थे वो इनामी बदमाश थे कई ज़िलों में और कई राज्यों में भी, पहले से ही हमारे भी ज़िले में ये इनामी बदमाश थे। इनमें से एक बदमाश को हमारे मासलपुर थाने पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। ऑस्ट्रेलिया रा मेलबर्न माई खेली जा तीजा एक दिन रा क्रिकेट मैच माए भारत ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट सुहरार श्रृंखला अपने नाम कर ली। इनके साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया में पहली मरतबा एक दिन रा क्रिकेट मैचारी सीरीज जीतबारो इतिहास भी राच दियो। ये मैच माए 6 विकेट लेवन वाला युजवेंद्र चहल ने मैन ऑफ द मैच चुनी जो बटे ही मैन ऑफ द सीरीज रो इनाम महेंद्र सिंह धोनी ने दे जो। रवे बुलेटिन रे आखिर माए खास खबर आए कर फिर। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण कहो सैन्य पुलिस री कोर माए 20% महिलावां री भागीदारी वेला तय, दर्जावार तरीका सु करो जावेला महिलावां ने शामिल। जिला निर्वाचन एहलकार जगरूप सिंह यादव लोकसभा चुनाव सु पहली री तैयारियां वास्ते चुनाव प्रक्रिया सु जुड़िया एहलकारा री ली बैठक, बिना भेदभाव और शांति सु चुनाव करावन वास्ते दरकार रे मुजब तैयारियां करन रा दिया निर्देश। निर्वाचन आयोग कानीसु जयपुरा न्यारा न्यारा मतदान केंद्रा माथे आज लियो जा रियो है मतदाता सूचिया रो जायजो। 1 जनवरी ने 18 वर्ष री उम्र पूरी कर चुका नौजवान मतदाता सूचिया में जुड़वा सकेला आपरो नाम। डीजीपी कपिल गर्ग कहो पुलिस महकमा में किणी भी तरियारो भ्रष्टाचार नी करो जावेला बर्दाश्त,
महकमा माए जारी रेवेला डिकोय ऑपरेशन। भारत ऑस्ट्रेलिया ने एक दिन रा क्रिकेट मैचारी श्रृंखला में हरार रचो इतिहास। मेलबर्न में तीजा मैच में भारत 7 विकेट से जीतो। युजवेंद्र चहल मैन ऑफ द मैच और महेंद्र सिंह धोनी ने मिलो मैन ऑफ द सीरीज रो इनाम। साथ ही प्रादेशिक खबर या कड़ी पूरी भी। नमस्कार।